हाय बच्चे, कैसे हो बेटा? सभी बढ़िया तरह से अपना काम कर रहे हो? सभी उम्मीद है सभी हेल्दी होगे, सभी हैप्पी होगे, ठीक है। देखो, लास्ट टाइम तक की अपन ने जितनी भी स्टडी की किंगडम फॉर एलियंस की, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप काम करते करते देखो अपन चले आए बैक्टीरिया की लास्ट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में, जो कि क्या है, रेस्पिरेशन, आपके सिलेबस की अकॉर्डिंग लास्ट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। देन फिर इसके बाद अपन बैक्टीरिया की कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात करेंगे, उनके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन के बारे में बातें करेंगे, जो कि छोटे छोटे से टॉपिक्स है, बहुत छोटे छोटे से लेकिन इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहां से बहुत सारे अराइज होते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले अभी अपन रेस्पिरेशन की बातें करते हैं। तो रेस्पिरेशन की होल सोल प्रोसेस को इन ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ द वर्ल्ड, रेस्पिरेशन की होल सोल प्रोसेस को अपन दो कैटेगरी में बेटा डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी जिसमें ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन की नीड होती हो, ठीक है। दूसरी कैटेगरी जिसमें ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की नीड नहीं होती। सो ऑन द बेसिस ऑफ नीड और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दीज ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू एरोबिक ऑर्गेनिज्म और एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स। सो इन केस ऑफ बैक्टीरिया टू, there are two type of bacteria, the aerobes bacteria or you can say aerobic bacteria and another one are anaerobic bacteria, ठीक है। अब एक बड़ी अच्छी केस यहाँ पे उधर होती है कि देखो ये aerobic और anaerobic में भी अपन दो स्टेट निकाल के आते हैं या दो तरह के अपने को स्ट्रेन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट, who cannot alter their nature even in presence of unfavorable condition or even during unfavorable condition, while the one strain that can alter their respiratory nature during unfavorable condition, ठीक है। हमने क्या कहा, दो तरह के स्ट्रेन ऑब्जर्व करने को मिलते हैं बेटा बैक्टीरियल के केस में। एक स्ट्रेन तो ऑब्लिगेट स्ट्रेन में काउंट होता है। ये ऑब्लिगेट स्ट्रेन बोले तो ये वो स्ट्रेन होते हैं जो अनफेवरेबल कंडीशन आने के बाद भी, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन आने के बाद भी अपना रेस्पिरेटरी नेचर चेंज नहीं करते। अनफेवरेबल कंडीशन आने के बाद भी ये अपना रेस्पिरेटरी नेचर चेंज नहीं करते। दे आर ऑल्सो नोन एज ऑब्लिगेट नेचर बैक्टीरिया। सेकेंड वन आपको देखने को मिलेगा, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन दे अल्टर देयर, दे स्विच देयर रेस्पिरेटरी नेचर, ठीक है। And these organism or this group of organisms called facultative organisms, ठीक है। एक ग्रुप ऐसा है जो कि अनफेवरेबल कंडीशन आने पे अपने आप को अल्टर नहीं करता, अपना नेचर नहीं बदलता, और उसके कारण से वो ऑब्लिगेट कैटेगरी में रखा जाता है। दूसरा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो कि अल्टर कंडीशन, जो कि अपने आप को अल्टर कर लेता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, अपने आप को, उसके लिए सर्वाइवल इम्पोर्टेंस है उसको, है कि भैया हमें तो सर्वाइव करना है और उसके लिए हमें अब किसी भी तरीके की कंडीशन को स्विच करना पड़ेगा, हम स्विच करेंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके की अपन बातें करेंगे और एग्जांपल वाइज भी अपन यहाँ पे देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। रेस्पिरेशन सिस्टम इन बैक्टीरिया, इनकी रेस्पिरेशन क्या है ये अब आपको आसानी से क्लियर है, आप बहुत ही बेसिक से क्लासेस में ये चीज देखते चले आएंगे, ठीक है। सो इन केस ऑफ बैक्टीरिया द रेस्पिरेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप, द फर्स्ट वन यू कैन सी हियर, द फर्स्ट वन इज एरोब्स एंड द सेकंड वन इज एनारोब्स, दीज आर द टाइप ऑफ बैक्टीरिया। अगर अपन रेस्पिरेशन के केस की बात करेंगे तो यहाँ पे अपन एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन कर देंगे। अगर अपन एरोब्स और एनारोब्स कर रहे हैं तो अपन ये बैक्टीरिया कंडीशन को शो कर रहे हैं, ठीक है। सो एरोब्स आर द ऑर्गेनिज्म, दे नीड ऑक्सीजन फॉर देयर रेस्पिरेशन प्रोसेस, व्हाइल एनारोब्स आर द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म्स दैट नॉट नीड ऑक्सीजन फॉर देयर रेस्पिरेशन प्रोसेस, ठीक है। सो इन केस ऑफ एरोब्स they can be divided into obligate aerobes and facultative aerobes. Obligate aerobes are the organisms, they cannot switch or they cannot fluctuate or they cannot alter their respiratory nature even in the absence of oxygen. ऑक्सीजन की कमी होने पर भी ये अपना नेचर स्विच नहीं करेंगे, ये ऑब्लिगेट कंडीशन, ऑब्लिगेट एरोबिक नेचर में ही रहना पसंद करेंगे। स्ट्रिक्टली
एरोबिक नेचर ये फॉलो करते हैं. यू कैन से द ऑब्लिक इज इक्वल टू स्ट्रिक्ट, ठीक है, नॉट फ्लक्चुएटिंग, नॉट अल्टर. ठीक है बेटा, एग्जाम्पल के केस में अगर आप लोग देखें तो आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ बैसिलस सबटिलिस. एग्जाम्पल क्या है? बैसिलस सबटिलिस, ठीक है. So, and the facultative aerobes are the particular organisms that are actually anaerobic or organisms. So, facultative aerobes are the group of organisms that actually follow anaerobic respiration process, but due to their unfavorable condition, they switch from anaerobic to aerobic condition, and that's why they are called facultative aerobes. Okay, again I'm going to repeat it. Facultative aerobes are the group of organisms that are actually follow anaerobic mode of respiration, but due to unfavorable condition, they switch or they alter their respiration nature from anaerobic to aerobic one. That's why they are called facultative aerobes. You can add here the facultative means what? Fluctuating nature. Okay, facultative means what? Fluctuating nature. So the examples are here photosynthetic bacteria. Examples are here some photosynthetic bacteria like Rhodopseudomonas. Some photosynthetic bacteria like Rhodopseudomonas. Okay. In general, approximately all photosynthetic bacteria are anaerobic bacteria. ओके ये आइडिया आपको पहले से है. देन आफ्टर अपन एनारोब्स की बात करते हैं. सो द एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स आर द ऑर्गेनिजम्स दे नॉट नीड ऑक्सीजन फॉर देयर रेस्पिरेटरी प्रोसेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्लक्चुएटिंग और नॉन फ्लक्चुएटिंग नेचर दे ऑल्सो कैन बी डिवाइडेड इंटू टू टाइप. द फर्स्ट वन इज ऑब्लिगेट एंड अनदर वन इज फैकल्टेटिव. सो अगेन हियर ऑब्लिगेट एनारोब्स इट मींस दैट द ग्रुप ऑफ एनारोबिक ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट अल्टर दैट स्ट्रिक्टली फॉलो द एनारोबिक कंडीशन इवन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन. टू अनफेवरेबल कंडीशन आएगी उसमें भी ये अपने आप को अल्टर नहीं करेंगे, ये एनारोबिक नेचर को ही फॉलो करना चाहेंगे, ठीक है. And the facultative anaerobes are the actual, facultative anaerobes are the actual aerobes. Facultative anaerobes are actually aerobic in nature, but due to their unfavorable condition, they switch or they fluctuate or they alter their respiratory nature and converted into facultative anaerobes and converted into anaerobes. Okay? They are actually aerobic organisms or you can say they are actually aerobic bacteria, but due to unfavorable condition they switch to anaerobic bacterial or you can say anaerobic respiration mode. So these group of bacteria are known as facultative anaerobic bacteria. Okay, let's say for example, so the obligate anaerobes you can put here Clostridium botulinum. For the obligate anaerobes, you can put here Clostridium botulinum. And for the facultative, you can use Halophilus. Halophilus, ठीक है? ये कुछ condition हो गई हमारे respiration bacterial respiration की. ज्यादा कोई खास बड़ा topic नहीं था. आपको याद, आपको समझना क्या है यहाँ पे बेटा? फैकल्टेटिव टर्म में कंफ्यूज मत होना. जैसा कि ऑब्लिगेट में लिखा है कि डायरेक्टली अगर एरोब्स ऑब्लिगेट है या एरोबिक ऑब्लिगेट की बात हो रही है तो डेफिनेटली यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जिस पर्टिकुलर तरह का ऑब्लिगेट नेचर शो हो रहा है एक्चुअल में भी उसी नेचर का होगा. लाइकवाइज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एरोबिक ऑब्लिगेट्स इट मीन्स दैट द ऑर्गेनिज्म्स आर स्ट्रिक्टली एरोबिक इन नेचर. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट anaerobic obligate, so the organisms are strictly in anaerobic respiration nature. Okay, but when we are going to talking about the facultative condition, तो अपन जब यहाँ पे facultative condition की बात करने जाते हैं ना, हम यहाँ पे दरअसल दूसरे mode की बात कर रहे हैं, ठीक है. जिस भी term के पहले facultative utilize हो, I mean facultative anaerobes or facultative aerobes, आप समझो ये एक्चुअली में ये फैकल्टेटिव एरोब वाला ऑर्गेनिज्म एरोबिक कंडीशन में फ्लक्चुएट होने के बाद आया है. ओके, सो आप वहां पे फैकल्टेटिव की जगह आप फ्लक्चुएटिंग वहां पे समझो, क्या फ्लक्चुएटिंग या फ्लक्चुएटेड
इजी वे में उसको आप समझो फ्लक्चुएटेड, देन फैकल्टेटिव एरोस में मतलब क्या बनेगा फ्लक्चुएटेड एरोस, ओके सेम हियर द फैकल्टेटिव एनारोब्स मींस क्या फ्लक्चुएटेड एनारोब, तो किसी के पहले अगर आपने फ्लक्चुएटेड लगा दिया इट मींस इट इज क्लियर नाउ कि दैट ये ऑर्गेनिज्म पहले कोई और मोड फॉलो करता था बट अभी ये दूसरा मोड फॉलो कर रहा है, ठीक है बेटा। ये तो हो गई बैक्टीरियल रेस्पिरेशन की बात में। देन आफ्टर अब अपन इसके कुछ टाइप्स के पास चलते हैं, बैक्टीरिया की कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स अपने को देखने को मिलेंगे। द फर्स्ट वन आर आर्की बैक्टीरिया। देखो आर्की बैक्टीरिया के बारे में स्टडी अगर अपने को करनी हो तो सबसे पहले अपने को कुछ खास खास पॉइंट समझ में आने चाहिए। आर्की का मतलब क्या होता है, आर्की ओल्ड कैटेगरी, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत पहले वाले सबसे पहले ये आए रहे होंगे अभी भी प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया जो कि प्रिमिटिव लाइफ को भी शो करते हैं या प्रिमिटिव लाइफ के साइन है, ठीक है। यहां से देखने को मिलता है कि अच्छा लाइफ कितनी पुरानी हो सकती है भाई, पहले तो वायरस थे लिविंग और नॉन लिविंग की कनेक्टिंग लिंक, देन आफ्टर उसके बाद क्या आया होगा ऐसा माना जाता है कि आर्की बैक्टीरिया आया रहा होगा। हालांकि कुछ रिसर्चर का ये भी मानना है ये जो माइकोप्लाज्मा लाइक बैक्टीरिया है मतलब नॉन सेल वॉल वाले ये जो बैक्टीरियंस है इनको भी एक तरह से बैक्टीरियंस की कैटेगरी में हम रख सकते हैं मलेरियंस है तो, बट ये नॉन सेल वॉल वाले होते हैं, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि वायरस और बैक्टीरिया के बीच की कनेक्टिव लिंक क्या है माइक्रोप्लाज्मा है, ठीक है। बट डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट का अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स है विचार है। अपन अभी चलते हैं आर्की बैक्टीरिया के पास। सो लेट्स सी आर्की बैक्टीरिया आर प्रिमिटिव फॉर्म्स ऑफ लाइफ। सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया इनका, दे आर प्रिमिटिव फॉर्म्स ऑफ लाइफ मतलब बहुत पुराने से ये शो करते हैं लाइफ के बहुत पुराने इवॉल्व को ये शो करते हैं। दे रेफर्ड एज लिविंग फॉसिल्स, ओके ये आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दे रेफर्ड एज लिविंग फॉसिल्स और इनमें भी हेलोफाइल्स को अपन थर्मो एसिडोफाइल्स को अपन एक्चुअल लिविंग फॉसिल्स का नाम देते हैं। वेल आर्की बैक्टीरिया आर ऑल्सो नोन एज लिविंग फॉसिल्स, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों ये लिविंग फॉसिल्स की कैटेगरी में क्यों काउंट हुए, ऐसा क्या था इनकी बॉडी में जो कि नॉर्मल बैक्टीरिया की बॉडी में या साइनोबैक्टीरिया की बॉडी में नहीं मिलता, और ऐसी क्या पर्टिकुलरिटी थी जिसके कारण से ये आर्की बैक्टीरिया कह रहा है ना प्रिमिटिव फॉर्म्स ऑफ लाइफ मतलब सबसे शुरुआत में जब लाइफ आई रही होगी तब ये आए थे, मतलब कितनी ज्यादा हाई टेम्परेचर कंडीशन थी, कितनी ज्यादा हाई पीएच या लो पीएच की कंडीशन रही होगी, और अगर उस कंडीशन में तब भी सरवाइव करते थे आज भी सरवाइव करते हैं इसका मतलब डेफिनेटली इनकी जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसमें कुछ तो चेंजेस रहे होंगे, ओके। देन डेफिनेटली देयर सेल वॉल इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ ट्रू बैक्टीरिया और नॉर्मल बैक्टीरिया, ओके। सो देयर सेल वॉल इज यूनिक, देयर सेल वॉल इज यूनिक, सो ड्यू टू देयर यूनिक सेल वॉल They can survive even in extreme condition environment, okay. So their cell wall is made up of protein. Their cell wall is made up of protein and non-cellulosic polysaccharide. Okay, this is the main important point for you. Their cell wall is unique, which is made up of protein and non-cellulosic polysaccharide. Let's get memorized this. The cell wall of आर्की बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड। यहां से कुछ याद आता है, जब अपन बेटा ट्रू बैक्टीरिया की अपन बात कर रहे थे देन वहां पे अपन ने क्या बताया था कि जनरली ट्रू बैक्टीरियंस या नॉर्मल बैक्टीरियंस की सेल वॉल इज द कंपोज ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड पॉलीसेकेराइड। यस बेटा क्या पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड पॉलीसेकेराइड्स है ना, वहां पे एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल यूरामिक एसिड का अल्टरनेट अरेंजमेंट होता था। किसका एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल यूरामिक एसिड का वहां पे अल्टरनेट अरेंजमेंट होता था पॉलीसेक्राइड के साथ साथ, बट इनके साथ आर्की बैक्टीरिया पेप्टाइडोग्लाइकेन की प्रेजेंस है ही नहीं। पहला पॉइंट, वहां पे जो पॉलीसेक्राइड था वो सेलुलोजिक था, यहाँ पे नॉन सेलुलोजिक है, ये भी दूसरा पॉइंट। पॉलीसेक्राइड का भी नेचर चेंज है, प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट है इन प्लेस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, इसके साथ साथ एंड ब्रांच्ड लिपिड चेन, यहाँ पे पॉलीसेक्राइड और प्रोटीन के साथ साथ इनके साथ लिपिड की ब्रांच्ड चेन देखने को मिलती है। एंड यस बेटा दीज आर द
key peculiarity of the archaebacterial survivance. आर्किबैक्टीरिया का इतना एक्सट्रीम कंडीशन के टेम्परेचर और पीएच और एनवायरमेंटल सिचुएशन में सर्वाइव करने का जो मेन कारण है वो इनकी सेलवॉल ही है। इनकी सेलवॉल में अपने को प्रोटीन देखने को मिलती है, नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड देखने को मिलेगा एंड डेफिनेटली ब्रांच लिपिड चैन देखने को अपने को मिलती है। गुड, नेक्स्ट वन इज दे आर रेजिस्टेंट टू एक्सट्रीम पीएच एंड हीट। सो ड्यू टू देयर यूनिक सेलवॉल दे आर वेरी resistant in nature for extreme pH, extreme acidic or extreme basic both and the heat condition, extreme heat condition, ठीक है। बड़ी ही आसानी से ये higher या lower pH और बहुत ही high temperature या बहुत ही low temperature पे easily survive कर जाते हैं, ठीक है, due to their unique cell wall. Okay, so the whole soul archaebacterial category, can be divided into three types on the basis of their habitat zone. The first one are called Bathyrogen, then Halophiles and the Thermoacidophiles. Okay, naam se dekho clear hai. Bathyrogens, it means that they are methane producing organism. Halophiles are also known as basophiles. It means that they are salt loving bacteria. They are salt loving bacteria. Means that they can be present during or under higher basicity condition or higher basic pH. Okay. The third one is thermoacidophiles. What is thermoacidophiles? Thermoacidophiles are the category of archaebacteria which is known as acid-loving bacteria. And these acid-loving bacteria can be present in extreme thermal condition. Okay, plus minus 100 degree temperature. Okay, beta? So, let's start with methanogens, halophiles and thermoacidophiles. The examples of methanogens are methanobacteria. Okay, example kya hoga iska? Methanobacterium and methanococcus. And halophiles, halobacterium and haplococcus, and thermoacidophiles, halobacillus and halococcus. तो आपको इनके examples बेटा याद करने पड़ेंगे, focus से ये methanobacterium, methanococcus, halobacterium, haplococcus and halobacillus and halococcus. ठीक है, haplo और halococcus में confused मत होइएगा. Well, in case of methanogen, the first key point is that organisms or these organisms are actually anaerobic in nature. ठीक है, they are anaerobic in nature. What can they do? They form methane. They produce methane from carbon dioxide or formic acid. They can produce methane from carbon dioxide or formic acid. कार्बन डाइऑक्साइड और फॉर्मिक एसिड से ये मीथेन का प्रोडक्शन कर सकते हैं. एक्चुअली दे आर एनारोबिक नेचर बैक्टीरिया. वेल, द नेक्स्ट वन, दे प्रोड्यूस मीथेन, नो इशू हियर, मेंशन ऑलरेडी मेंशन हियर. देन वेयर दे कैन बी प्रेजेंट, इन मार्शी एरिया एंड रूमेन ऑफ कैटल. मार्शी एरिया में इनकी प्रेजेंस देखने को मिलती है एंड कैटल्स के रूमेन में. रूमेन क्या है? फर्स्ट स्टमक चैम्बर. देयर आर फोर स्टमक चैम्बर इन कैटल्स बॉडी. सो इन द फर्स्ट स्टमक चैम्बर व्हिच इज नोन एज रूमेन, दे आर प्रेजेंट एंड स्पेशली दे वर्क फॉर डाइजेशन ऑफ सेलुलोजिक मटेरियल और यू कैन से द सेलुलोज. And especially they are responsible or they take part in the process of digestion of cellulose here. Okay, they are very useful in biogas plant. These methanogens and bacteria are very useful in biogas plant. Okay, so it is its application, and that one is about its habitat condition, and that one is about work of methanogen, and that particular topic or point show their respiratory nature. Okay, you have to learn or you have to aware about the all 5 points or 4 points. Okay, the next one are halophiles. Halophiles are also known as basophiles.
basophiles. Okay, so they are, these organisms are also anaerobic in nature. They are also anaerobic in nature. They are salt loving bacteria. Okay, they are salt loving bacteria. In strong sunlight, or you can say under strong sunlight, they develop a pigment. Or under strong sunlight, or in strong sunlight, they develop a pigment on their membrane. ठीक है, और under the strong sunlight they develop a special pigmentation or pigments on their membrane, and that pigment reflect purple color. That pigment reflect purple color. Okay, and which pigment or that one, or you can say that particular purple pigment, what can it do? It can use light energy. It can use this purple color pigment can use light energy to run their metabolic machinery by producing ATP. Or it means that you can say this particular purple color pigment are responsible for the light reaction. फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन होती थी उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते थे. ये क्या करते थे बेटा, ये पर्पल पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब करते थे और एब्जॉर्ब करके उसको एटीपी में या केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते थे, जिसके कारण से इनको एटीपी मिलती थी और वो एटीपी इनकी बाकी मेटाबॉलिक मशीनरी में यूज होती थी. इट इज स्लाइटली रिजेंबल्ड विद द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. ना देखो, वहां पे क्लोरोप्लास्ट, थैलाकोइड, क्वांटा, ये सारी बड़ी बड़ी बातें अपन करेंगे या करते हैं, आपने पढ़ा भी होगा. बट लुक अबाउट द हैलोफाइल, देयर इज नो एनी स्पेशल नीड ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड थैलाकोइड, क्वांटा एंड ब्ला ब्ला ब्ला. दे ओनली डू वन थिंग अंडर स्ट्रॉन्ग सनलाइट, दे डेवलप अ पर्पल कलर पिगमेंट ऑन देयर मेम्ब्रेन. That one is responsible to trap sunlight and convert it into chemical energy. That one is called ATP, which is utilized for the metabolic machinery of this bacteria or the halophile. Very cute process. So you have to remember this one about their ATP production process. And the last one major thing, they are unable to form sugar. They are unable to form sugar from carbon dioxide reductional process. Okay, so they are unable to convert carbon dioxide into sugar. Ye kuch important point ho gaya inke. But let's get repeat about the halophiles. These are anaerobic organisms. They are salt loving organisms. They develop a special pigment which show purple color under strong sunlight, which is responsible for the trapping of sunlight and converted into ATP, which is utilized for the multiple metabolic machinery of the halophiles. Okay.